हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यार अभी का कुछ सीन ऐसा है कि मैं वापस अपने गांव पहुँच गई हूँ और अभी मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में लस्सी की बॉटल। हम लोग जा रहे हैं चौपाल और मेरे साथ में कौन है, मेरे साथ में है मेरी चाची। हाय चाची। हाय बेटू। हेलो कर दो सभी को। हेलो बेटू। और ये मेरी चाची और मेरा भाई, हम लोग जा रहे हैं चौपाल दीदी के घर। और अब ये चाची ने लस्सी भी दी है दीदी के लिए, तो फिलहाल अभी हम निकल जाते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये तो नहीं बताया कि मैं एकदम से शिमला से गांव कैसे आ गई हूँ, कैसे पहुँच गई हूँ। तो मैं आ गई हूँ। नमस्ते जी, कैसे? और तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं 2-3 दिन पहले ही अपने गांव वापस पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे गांव में है एक मतलब फंक्शन है, सराहा में मेला भी है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्यों आई हूँ और मेरे गांव में क्या कौन सा फंक्शन है और कौन सा मेला है। तो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊँगी। फिलहाल ले चाची, आगे बैठो, आगे बैठो, आगे बैठो। फिलहाल मैं चल पड़ती हूँ। यार खोल तो दो। चलो जी। तो चाची बोल रहे हैं काका को कि बढ़िया गाने लगाइयो, नहीं तो फालतू गाने नहीं लगाइयो। हम चौपाल पहुंचने ही वाले हैं, मतलब लगभग पहुंच ही गए हैं और अभी हमें चौपाल में मिलने वाले हैं बहुत से लोग। पहुंच गए हैं बीरभूम। नॉक नॉक। हेलो ब्यूटीफुल पीपल। हाय हाय शीतल दीदी। जी मैं और मान्या, तो हाय मान्या, हाय करो, हाय करो, जल्दी करो, हाय। तो जी मैं और मान्या तो हो गए हैं रेडी मार्केट के लिए, अब निकलते हैं जल्दी से मार्केट। चलिए मान्या, हम लोग पैदल ही जाएंगे क्योंकि 2 मिनट का रास्ता है सारा ही। मेरे कपड़े फाड़ देने, काका किसने चला इसने, किसी के पास नहीं जा रही। प्लीज माने मेरे पास ना, इसे खींचना खींचना दे, मैं कैसे पकड़ती हूँ जोर से। बिल्कुल ली, बिल्कुल ली, मेरे पास आएगी, अभी देखना, अभी देखना मेरे पास आएगी। आजा चिकी। अरे इसको ये लग रहा है मैं तेरे को बाजार धोखा, बहुत बड़ा धोखा है। तो जी चले अब हम यहाँ से, अनिशा दीदी के ना फोन पे फोन आ रहे हैं, फोन पे फोन आ रहे हैं। हम यहाँ से शॉर्टकट से जा रहे हैं ऊपर को। तो अभी हम लोग सभी चल गए, अनिशा दीदी हमें ऊपर ही मिलेंगे मार्केट में। आउच मम्मा, ये कहाँ लग गया मेरा हाथ। और एक बात, आशी बुआ को फोन करो, बुआ भी आ रहे हैं हमारे साथ। नहीं यार, हमारी गाड़ी आगे निकल गई थी, तब तक बुआ स्कूल में ही थे उस टाइम पे, बुआ लेट आए। शीतल दीदी के पास भी नहीं जा रही। मामू की लाडली है ये, मामू की लाडली। देखो ये सभी बच्चे ऐसे ही है, जब भी काका हो ना मम्मा पास तो जाते नहीं किसी के पास भी नहीं। मम्मा पापा जाए फिर सारे पानी पीने, हमें रहना मामू के पास, इनका ऐसा होता है। ये देखो जय चुटेश्वर महादेव। ये दोनों ना मेरी वीडियो खराब कर रही है। लेंथ, एक टास्क मिल गया है मुझे कि देखे बताए कि किसकी लेंथ ज्यादा है। वैसे यार इक्वल है दोनों की, काका देख तो इक्वल है दोनों को। हाँ पर ऐसा है कि है ना इक्वल, मीनाक्षी दीदी के बालों की वेटेज ज्यादा है तो इस वजह से थोड़े से लंबे दिख रहे, बट इक्वल जगह पे है। अच्छा हुआ पता क्या, जैसे मैं चौपाल आई ना शिमला से चौपाल आई, तो मैं सिर्फ खाली टी शर्ट में चौपाल आई थी और जो भी साथ में कपड़े लाई हूँ वो पतले कपड़े लाई हूँ गर्मी के, मतलब टी शर्ट। और आज तो जैसे क्लाउडी है मौसम, तो फिर मुझे ऐसा था कि यार क्या पहनूँ क्या पहनूँ, ठंड से मेरे पास कपड़े नहीं है। तो और मैंने ये पहन, ये देखो मैंने अपने भाई की स्वेटर पहनी है। और मीनाक्षी दीदी, शीतल दीदी बोल रही कि तेरी सुंदर लग रही तू तेरे ऊपर। अब ना ये मेरे भाई से इसको अपने लिए लूट सकते हैं, इसीलिए मैं अपने लिए लूटूंगी। आए हमारे प्लीतू जी, प्रीशु, प्रीशु, ये देखो प्रीशु मिल गई। प्लीतू, प्लीतू, ओ भाई ये हमारे पास जाती है सिर्फ, बाकी सबके पास जाती है, मेरे पास नहीं आती है सिर्फ। अंजी मासी नहीं हूँ मैं, अंजी मासी।
इसको भी अंजलि मासी बोलती है, मेरे को भी अंजलि मासी बोलती है। किस भी निकली ये है मेरे सबसे बड़े दीदी और ये मेरे से बड़े वाली और आप कौन है? और फिर मैं हूँ, फिर ये है, ये इंसान टर्न नहीं करेगा, फिर ये है, फिर मैं भी हूँ लास्ट वन। अब पता नहीं कितने गुस्सा है पर जबरदस्ती हंस भी रहे हैं। और ये जीजू है। यहाँ पे आगे एक सैलून है। कौन सा है, कौन सा नाम क्या है इसका? न्यू लुक चौपाल, न्यू लुक हेयर ड्रेसर सैलून में। और हम सबके बहुत से काम है, सभी ने थ्रेडिंग करवानी है, कुछ ना कुछ काम सभी का है ही। लग गए हैं सभी थ्रेडिंग करवाने के लिए। इधर को मुड़ो जरा सभी, ये देखो लाइन में खड़े हो गए। काका तूने भी थ्रेडिंग करवानी है? मान्या की थ्रेडिंग करवानी है, मान्या ने थ्रेडिंग करवानी है। प्लीतु का है, प्लीतु तूने भी करवानी है थ्रेडिंग? करवानी है थ्रेडिंग? ये है मेरी बुआ, वन एंड ओनली। आज जो मेरी सबसे बड़ी दीदी है, पूरे पूरे बुआ पे गए। तो हम भी तो ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो मैं आपसे एक चेहरा इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। ये मेरे भैया है, मेरे चाचू के बेटे, और ये जर्नलिस्ट है, इनका नाम है संजीव शर्मा। आप इनका चैनल, हाँ, दूरदर्शन लाइव पे आप विजिट कर सकते हो, इनका चैनल है वो। बाकी कहाँ जा रहे हो अभी आप? मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट ऑफिस। अच्छा। मेरा थोड़ा सा काम है, आप लोगों को काम है। आपकी ये ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चले, सभी को नमस्कार। और हम ये बोलते हैं सभी को कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सभी को बाय बाय, हेलो, नमस्कार, और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दूरदर्शन, और हमारी खबरें जो किसी की समस्या है, इनको बोले, हमारे को बोले। ओके ओके। पहुंच गई हूँ मैं अगस्त को लेने के लिए। उसको ना बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम यहाँ पे हैं। देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। तो आ गया है और सबसे पहले, लेकिन इसे कोई दिख नहीं ना। मुझे तो अगस्त ही दिख रहा। मेरी मासी देखी, पकड़ो इधर अंजलि। मैं निवासी देख रही हूँ। चलो ना, जोड़ जी, जोड़ जू। आपने लिपस्टिक लगा दी मामू का। और क्या लेना है आपने? अगस्त जैसी, जैसी अगस्त बाहर आया अंजलि ने, तो अगस्त को झपटा ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बैग ले लूं इससे। चलो 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 आगे को देख। आज आज अंदर आओ, शूज देखो यहाँ पे। अब ले कुछ मान। नमस्ते, कौन करेगा ये? ना हमने ऑनलाइन इयर रिंग्स मंगाए थे, मीनाक्षी दीदी ने मंगवाए थे, तो मान ने भी बड़ी गौर से देख रही कि कैसी है। वाह, ठीक है वैसे, है ना, अच्छे है, दिखाओ ना। अच्छे है, मान ने लगाई क्या? ओ भाई, ये मिनी मासी की शादी के लिए है। ड्रेस दिखा रहे हैं अगस्त के लिए। कौन सी ड्रेस थी जीजू? ये वाली ड्रेस थी, बोलते ये मिनी मासी की शादी के लिए, अभी नहीं पहननी। ऐसा है अगस्त है? ये देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस दे दिए आपको। ऐसे में क्यों ले रहे जीजू? ये तो रहने अभी में। जीजू ला रहा है जो इनके हैंडू में।
देखो बारिश शुरू हो गई है आनी, तो हम सोच रहे अभी रूम की ओर निकल जाते हैं और लंच कर रहे थे यहाँ पे। फिर दीदी ने कॉल किया कि मैंने यहाँ पे बना लिया है लंच, तो अभी हम लंच करने जा रहे हैं दीदी के। मतलब यहाँ पे ना मौसम कब पता ही नहीं लगता यार, वेदर कब खराब हो जाए कब ठीक है। तो हेलो गाइस, ये वहाँ पे रिशु है। रिशु हाय, आजा रिशु, रिशु मेले में आई हो। गाइस खाना पीना हो गया हमारा, अब दूसरी जगह को शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम जा रहे हैं निशा दीदी के घर। तो बहुत ज्यादा चढ़ाई है, इधर मैं दिखाती हूँ आपको स्टेयर। देखो ये नीचे से ऊपर, ये इन स्टेयर्स में जा रहे हैं। अभी हम निशा दीदी के घर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी लेना है हमें राव्या को स्कूल से, उसका स्कूल है तो उसकी छुट्टी होती है 3:30 बजे। अभी हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद निकलना है हमने वापस अपने घर, मतलब मेरे घर आ रहे हैं दोनों दीदी ने, शीता दीदी नहीं आ रही, निशा दीदी आ रहे हैं मेरे घर। तो अभी भाई इधर ही वेट करेंगे, शायद ऊपर आएगा हमें लेने के लिए। फिलहाल हम ऊपर निकल जाते हैं। मैं भाग भाग के पहुंच गई। रावू हाय बेट, ठीक है हाय। ये देखो कैसे भाग रहे हैं। तो यार हम इनके घर आए थे दीदी के घर, और मैं यहाँ से व्यू दिखा दूँ आपको, इतना जबरदस्त व्यू है। वाओ यार, यहाँ से ना पूरा जपाल दिखता है नीचे को, मतलब वैसे प्रॉपर नहीं दिखता है, पूरा तरह से नहीं दिखता, बट ये मार्केट ही है जो सामने दिख रहा है नीचे को, ये मार्केट ही है सारा। बाकी ये इधर ऐसा कुछ व्यू दिखता है, और पार भी देखो पहाड़िया, क्या जबरदस्त पहाड़ी है यार। ये देखो राव्या भी इधर है। वाह, और यहाँ से मैं गहराई दिखा दूँ ना आपको, मेरे को डर ही लग रहा है नीचे। यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये जो सामने पार दिख रहा है जो गांव है, ये है मड़ाउक विलेज, जो एशिया का सबसे रिचेस्ट विलेज है, ये है मड़ाउक। और साथ में यहाँ को बोलते हैं जो ये उसके बाद दिख रहा है, ये है बमटा। बाकी वैसे ज़्यादा कुछ मुझे भी नहीं पता क्या क्या है, बाकी ये खदर है, पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं पता ज़्यादा अच्छी तरह से, बट यहाँ से व्यू लिटरली इतना अच्छा, इतना प्यारा। प्रीशु आजा, बहुत ही प्यारा व्यू है। दीदी हाय कर दो। हाय हाय, चल अब अंदर चल, चलो चलो चलो, तू नीचे चल, गिर मत जाइयो। हाँ गुरु को तो भेजना। देखो जी गाड़ी पूरी भर गई है। ये दीदा जी तो यहाँ है, गोदी में पकड़ूंगी मैं तेरे को, ऊपर ले रहे भी जोर लगा रखा इसने, इसको लग रहा है कि तीनों भी आ गए। ठीक है ये तीनों आ गए हैं, और ये दो दे मैं आ गई दीदी, आ जा नहीं, कैसे जोर से पकड़ी है। राव्या नमस्ते, पूरा दे जय श्री महादेव। सरिश बन गए हम, छाता कहाँ लगा बेटा तेरे, रहने दे गाड़ी में। फाइनली हम अपने गांव पहुंच गए, और राबू की तो हालत भी खराब होगी। राबू ड्रेस में ही आई है, क्योंकि इसने वापस भी ड्रेस में ही जाना है, तो वैसे कपड़े बहुत सारे बन जाते हैं। हम पहुंच गए हैं, और मेरे शायद मेरी रावी भी पहुंच गई, आज होगी कि मुझे क्यों नहीं दिखा आ रहा। और राबू कैसी खुशी हो रही है आपको यहाँ आने की? अच्छी बहुत। तो राव्या आप क्या क्या करेगी यहाँ पे मामू के गाँव में, नानू के गाँव में? बहुत इंजॉय करेगी। ओ माय गॉड, मेले में क्या क्या लेंगे आप? मूर्ति जी और टॉयज भी लोगे? ओके, तो जी मेरे गांव में है अभी कुछ दिनों बाद, मतलब 2-3 दिन ही बचे हैं, मेला है तो उसके लिए, 2-3 दिन नहीं, कल को छोड़ के परसों मेले शुरू है, तो उसको इंजॉय करने के लिए राव्या भी पहुंची और प्रीशु भी पहुंची है। और अगर से अभी सोया है यार, उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब होगी, नहीं बस रेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो स्कूल से आके सोया नहीं था, वो वेट करने था। और ओ प्लीतू, बाकी हम लोग पहुंच गए, बहुत थक चुकी हूँ मैं यार,
मेरी मर्जी की चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हाँ प्लीज, मैं सोच चुकी करती हूँ इस ब्लॉग को यही एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा भी हो गया होगा क्योंकि मैंने दिन भर भी काफ़ी रिकॉर्ड किया है। मैं सोच चुकी करती हूँ इस ब्लॉग को यही एंड। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय राबू, बाय बोलो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।